Hello everyone, hi, welcome back to my channel. Hi guys, how are you? Long time no seen. I don't know why मुझे बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है टाइम, बट वी आर बैक विद अनदर बैंगर वीडियो. आने वाले आज नायका रिकमेंडेशन एंड नायका हॉल एंड एट द सेम टाइम कलर पॉप के कंसीलर एंड उनकी आई शेडो स्टिक का रिव्यू. सो इट्स लाइक अ 3-in-1 काइंड ऑफ अ वीडियो. सो आई होप यू गाइज लाइक डिट, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करा है एंड दीज आर लास्ट मिनट रिकमेंडेशन. सो अगर आप अभी तक कुछ नहीं लिया है तो इन प्रोडक्ट्स में से कुछ भी जो भी अच्छा डिस्काउंट पे लगे उसे लेना कंसीडर करो. जो हमने कितने प्रोडक्ट्स की बात करी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे. सो हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स की बात करी है. सो या लेट्स स्टार्ट, वी एंजॉयड इट. एंड या मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बट दिस मेकअप लुक्स ब्यूटिफुल इतना स्वेट आने के बाद. सो स्टार्टिंग विद द मॉइस्चराइजर. सो यहाँ पे ये लिनेज का मॉइस्चराइजर है, मैं पूरा खत्म कर चुकी हूँ. आई रियली लाइक इट. इफ यू हैव ड्राई स्किन आप इसे परचेज कर सकते हो. इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छा है. मैंने इसके बारे में एक बार लाइव में भी बात करी, आप लोगों ने देखा होगा. सो जब ये आया था, एंड मुझे ना लिनेज के इन जनरल स्किन केयर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट दिस वन इज हैंड्स डाउन माई फेवरेट मॉइस्चराइजर इन हाई एंड. एंड ये अभी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर पे है, तो आप ले सकते हो लाइक 1400 और समथिंग. मैंने यहाँ पे फुल साइज लिया हुआ है, बट आप इसका स्मॉल साइज लोगे और उसके साथ फ्री भी मिलेगी तो बहुत अच्छी डील रहेगी आपके लिए. आई नो दैट इट्स बिट एक्सपेंसिव और आप लोग कहते हो हमेशा अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर बताओ. मैं आपको बहुत सारे अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर बता चुकी हूँ, बट अंडरनीथ मेकअप दिस मॉइस्चराइजर इज लिटरली ब्लेसिंग फॉर ड्राई स्किन. आई रियली रियली लव इट. तो ये मॉइस्चराइजर मैं पहले अपनी स्किन पे अप्लाई कर चुकी हूँ बिकॉज आई वांट टू मेकअप. मतलब मुझे आप लोगों को दिखाना है क्या क्या मेकअप आप ले सकते हो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे ना ये पैक का ब्रश है एंड मैंने ये दूसरी बार परचेज करा है. जो पहले वाला परचेज करा था वो बहुत टाइम पहले परचेज किया था एंड मे बी मैंने वो कहीं मिस कर दिया, आई डोंट रिमेम्बर दैट. सो ये है पैक का 2-3-1 ब्रश, लाइक न्यू है बिल्कुल. मैंने अभी परचेज किया है ये. दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्रश फॉर मेकअप एप्लीकेशन, लाइक अ बेस एप्लीकेशन. आई रियली रियली लाइक इट. ये फ्लफी है एट द सेम टाइम डेंस है एंड बहुत अच्छे से आपके मेकअप को ब्लेंड करता है. एंड ये सारे सिंथेटिक ब्रशेज हैं, सो बहुत ईजिली वॉश हो जाते हैं एंड बहुत अच्छे से आपको मेकअप अप्लाई करते हैं. लाइक यू नो दैट मैं समर्स में बहुत कम फाउंडेशन लगाती हूँ, ये स्किन टिंट भी बहुत ही कम लगाती हूँ. मैं लगाती हूँ कंसीलर. सो यहाँ पे ना कलर पॉप पे चल रही है बाय वन गेट वन सेल. मैंने अपनी स्टोरीज पे भी लगाया था, इफ यू गाइस नॉट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज डू फॉलो, वहां पे मैं बहुत अपडेट करती रहती हूँ. सो ये है कलर पॉप का कंसीलर एंड आई स्टिक जो मैंने ली है एंड आज हम इन्हें ट्राई भी करेंगे. एंड एट द सेम टाइम मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं एंड कलर पॉप ना इन जनरल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने कस्टम देके भी मंगाई है. सो नाउ आई एम सुपर एक्साइटेबल इन इंडिया एंड इजिली एक्सेसिबल बेसिकली. सो मैंने यहाँ पे लिया कलर पॉप का कंसीलर. ये मुझे पड़ा है 400 रुपीज का, माई शेड मीडियम 100W. सो फर्स्टली इसका 2 फुट एप्लीकेटर आता है कुछ इस तरीके का, वेरी प्रिसाइज 2 फुट एप्लीकेटर एंड इट्स अ ट्रू येलो अंडरटोन कंसीलर. वाओ इट्स वेरी क्रीमी दो. नाउ लेट्स ब्लेंड. इट हैज अ वेरी कलर पॉप वाली केमिकली स्मेल विच आई डोंट लाइक एंड विच आई नेवर लाइक, बट ठीक है. कलर पॉप के ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में इस तरीके की सिंथेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस रहती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इट ब्लेंड्स इन अ सेकेंड वेरी सीमलेसली एंड इट्स माई ट्रू मैच. लाइक मैं शेड पिक करने में कितनी अच्छी हूँ, इट्स माई ट्रू मैच. सॉरी मैक NC40 एंड मेबली 228, दिस इज योर परफेक्ट मैच एंड दिस ब्रश इज लाइक अमेजिंग ब्रश. ओके सो कवरेज इज वेरी लाइट बट वेरी स्किन लुक लाइक योर स्किन बट बेटर. नाउ लेट्स अप्लाई अ लिटिल बिट. वेल डो फुट एप्लीकेटर इज वेरी फ्लम्जी, लिटरली वेरी फ्लम्जी. मुझे ऐसा लगे टूट जाएगा, बट पैकेजिंग इज वेरी स्लीक एंड ब्लेंड्स वेरी सीमलेसली, गिव यू अ वेरी लाइट कवरेज एंड वेरी हाइड्रेटिंग काइंड ऑफ अ कंसीलर इट इज. सो इट्स बेस्ट फॉर ड्राई स्किन एंड आई तो लाइक इट. आई लाइक लाइट कवरेज कंसीलर्स. सो या आई रियली रियली लाइक इट. कैमरे पे लग रहा होगा कि बहुत कुछ कंसील कर रहा है, बट इतना कुछ कंसील नहीं कर रहा है. मैं तुम्हें जूम इन आके दिखाती हूँ. लग रहा है इसकी कवरेज इतनी ज्यादा नहीं है,
इट्स लाइक अ प्रिटी लाइट कवरेज कंसीलर, और मुझे लगता है इस प्राइस में आपको इससे अच्छे हाइड्रेटिंग कंसीलर मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे कवरेज देंगे। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और आपके ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है तो आप ये ले सकते हो। ओके, इसकी कवरेज ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी ज़्यादा है एंड ब्रश से इतनी ज़्यादा नहीं है, सो मे बी दैट्स द फैक्ट। एंड या बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस भी लग रहा है, बट ये आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा एक अच्छी कवरेज के लिए, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑल दो इट्स अ ग्रेट कंसीलर फॉर ड्राई स्किन, बट कवरेज इज़ वेरी लो, सो देख लेना आपको लेना है नहीं लेना है। मैंने बाय वन गेट वन में लिया है बिकॉज आई रियली लाइक इट, आई रियली वॉन्टेड एंड मुझे काफ़ी टाइम से ये ट्राई करना था। सो या नाउ आई नो द हाइप अबाउट द हाइड्रेशन पार्ट, बट आई डोंट नो वाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट द कवरेज। कवरेज इज़ वेरी 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 लो। वाटर टेंट शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये ट्यूड हाउस का वाटर टेंट इज़ लाइक माई फेवरेट फॉर्मूला। लाइक ये बेनी टेंट की तरह है बट उससे ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस पे है। ईजीली ब्लेंड होता है, बहुत सीमलेस है, ब्रश से ही ब्लेंड करने लगी हूँ जिससे कि चेहरे पे लाइन्स ना रहे। एंड ये फॉर्मूला बहुत कम अब्जॉर्ब होता है आप जिस प्रोडक्ट जिस भी टूल से ब्लेंड करते हो, सो यस एंड बहुत ईजीली ब्लेंड होता है। बट इट्स अ वेरी वोटरी फॉर्मूला बट इट्स अ क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग, सो यू कैन यूज़ दिस एज अ ब्लश, एज अ लिप टेंट, योर चॉइस। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो ये इतनी जल्दी सेट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि बहुत ही जल्दी सेट हो गया, ब्लेंडिंग का टाइम नहीं दिया, बट यू कैन सी दैट। लेट्स टॉक अबाउट पाउडर। मुझे NYX का कॉन्स्टॉप वॉन्स्टॉप पाउडर इतना ज़्यादा पसंद है कि आप देख ही सकते हो। सो दिस वन इज़ अ न्यू वन इन द शेड टैन, दिस वन इज़ इन द शेड गोल्ड। दिस इज़ नंबर वन पाउडर फॉर मी। ये आपके बेस को एकदम प्लेस पे सेट कर देता है एंड आपको ज़्यादा स्वेट वगैरह भी आता है तो ये से भी कैंसल आउट कर देता है। एंड आई हैव अ ड्राई स्किन, आई डोंट नो बट आई लव्ड इट। आई लव द फॉर्मुलेशन बिकॉज ये जितना फ्लॉलेस लगता है ना स्किन पे, उतना कोई भी चीज़ फ्लॉलेस नहीं लगती आपकी स्किन पे, चाहे आप कितने ही पाउडर ले लो। आई डोंट नो, फॉर्मुलेशन इज़ रियली रियली अमेजिंग। आई हैव अ ड्राई स्किन, आई लव्ड इट। मैं इसे बार बार परचेज कर रही हूँ, आप देख भी सकते हो, दैट्स माई 3rd to 4th परचेज। एंड दिस इज़ द ओनली पाउडर जो मेरी वैनिटी में सबसे जल्दी ख़त्म हो रहा है। सो या एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है, इस पाउडर के साथ मैं NYX के पेज पे फीचर भी हुई थी। सो अब मैं मॉइस्चराइजर लगाया था एंड लेट मी शो यू हाउ इट मैटिफाइड माई फेस विदाउट एनी रेजिड्यू ऑफ अ पाउडर। लाइक वेरी लाइट वेट, वेरी लाइट कवरेज, गिव यू अ टेंट, बट एट द सेम टाइम वेरी सटल एंड वेरी फ्लॉलेस। लाइक अगर आप शार्लेट टर्बरी का फ्लॉलेस पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आई नो दैट यू हैव अ बजट टू बाय दिस, बट अगर आप वो नहीं यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ द स्टेट ड्यू। मैंने बहुत लोगों से सुना भी है एंड वो फ्लॉलेस पाउडर भी यही काम करता है। सो गेट योर सेल्फ दिस वन एंड यू गोना थैंक्स मी लेटर। शैडो, मैट आई शैडो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एंड ये अभी बाय वन गेट वन सेल पे हैं। सो इंडियन ब्रांड वी आर 800 के लिक्विड आई क्रीम आई शैडो निकाल रही है। सो मुझे लगता है जो ब्रांड वेल नोन है और सब लोग इसके बारे में बात करते हैं तो क्यों ना हम वो ही ले लें। सो मैंने शेड मंगाई है प्लम टार्ट एंड या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लम कलर, कैन सी दैट। उसके बाद हम देखेंगे कितना ज़्यादा ट्रांसफर प्रूफ है। मैंने यहाँ पे लगा दिया है। प्रिसाइज लाइन तो आप इससे नहीं बना सकते बिकॉज इट्स अ वेरी जॉइंट पेंसिल, लार्ज पेंसिल काइंड। एंड नाउ लेट्स ब्लेंड दिस। ब्लेंड होने का टाइम अच्छा मिल रहा है, बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है। कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नॉट लाइक अ ओपेक ओपेक कलर, बट या कलर इज़ देयर एंड या कम्स इन लाइक 8-9 शेड्स विच इज़ रियली गुड। सो या यू कैन सी दैट, वाओ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। मीडियम स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला कलर है। ब्लेंड्स वेरी इजीली, वेरी सीमलेसली। द क्वालिटी इज़ रियली गुड, द क्वान्टिटी इज़ रियली गुड। I really like the color tart, plum tart. मेरे पास ऐसा कोई शेड है भी नहीं, इट्स लाइक अ ब्राउनिश पिंक विच इज़ रियली गुड। इंडियन स्किन टोन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला कलर है। यू सी दैट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ एंड ये मेरे ब्लश के साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है। सो जब भी मैं ये ब्लश लगाऊंगी उसके साथ में मैं इसे आराम से लगा सकूँ एंड इट्स काइंड ऑफ ए स्मज प्रूफ टू।
चॉकोबार मस्कारा, मस्कारा के लिए मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं लॉरियल पैराडाइज मस्कारा इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा. इट गिव यू अ लेंथ, प्रोवाइड यू अ वॉल्यूम, वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ. एंड मुझे लगता नहीं है इससे अच्छे मस्कारा अवेलेबल हैं. अगर आपको एक अच्छा डेंस मस्कारा पसंद है एंड अंडर द बजट आप हाई एंड की तरफ नहीं जाना चाहते, दिस इज़ द वन फॉर यू. एंड अगर आप हाई एंड की तरफ भी जाना चाहते हैं, दिस इज़ द ग्रेट मस्कारा. फॉल्स लैश इफेक्ट मस्कारा. लेट्स अप्लाई माय अनदर फेवरेट मस्कारा विच इज़ मेबलिन स्काई हाई मस्कारा. दिस वन इज़ रियली रियली गुड. लाइक इसमें सिर्फ एक है कि इसका जो वोंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. एंड यू सी दैट दोनों ही क्लम्पी लगते हैं फॉर श्योर, बट जब इनका फॉर्मूला हल्का सा ड्राई अप हो जाता है तो क्लम्पी लगना बंद हो जाता है. लिक्विड फॉर्मूला ज़्यादा क्लम्पी लगता है. सो आप अपने मस्कारा को सिर्फ ओपन करके छोड़ दो एक दो दिन के लिए. लाइक ऐसे भी ओपन करके नहीं छोड़ना है, बस ओपन कर लेना है उसे और आपको ये इंस्टेंटली यूज़ करना स्टार्ट नहीं करना है. दो चार दिन या हफ्ते दर हफ्ते बाद ही यूज़ करना है, तो उससे वो जो फॉर्मूला वो हल्का सा ड्राई हो जाएगा एंड उसके बाद वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा. आप देख सकते हो लाइक बोथ आर इक्वली ब्यूटिफुल एंड आई लव दम इक्वली. सो मुझे लगता है आप दोनों में से कोई से भी एक मश्कारा की तरफ जा सकते हो. इफ़ यू समवन लाइक मी लव्स ब्राउन मश्कारा, तो रोमेंट का ब्राउन मश्कारा इज रियली रियली ब्यूटिफुल. लाइक यू कैन सी दैट आई एम अप्लाई कर रही हूँ. इट सेपरेट योर लैशेज, प्रोवाइड यू अ गुड लेंथ, नॉट दैट वॉल्यूम बट यू आर क्वाइट अ गुड लेंथ. एंड इट जस्ट गिव यू वेरी फॉल्स लैश काइंड ऑफ अ इफेक्ट lashes and yeah, it's really really good. I recently used it once and twice and multiple times though, and it applies beautifully, looks really natural and it's just so pretty, like so beautiful. And iska jo doe foot applicator hai that was very unique and very precise, to aap easily aankhon ke jo inner side wale hairs hote hain उन्हें भी बहुत इजीली कॉम कर सकते हो विदाउट एनी हैसल. सो या दिस वन इज रियली रियली अमेजिंग मस्कारा. सिक रिकमेंडेशन मेरे पेज पे इतनी है कि अब मैं रिकमेंड भी नहीं करना चाहती, बट या आई हैव अनदर फेवरेट लिप कॉम्बो ऑफ माइन. सो ये है मार्स के लिप लाइनर्स. यू गाइस ऑलरेडी नो दैट हाउ मच आई लव देम. सो ये है शेड 12, आप यहाँ पे देख सकते हो शार्प नहीं है. That's okay. That's another multiple shades with me. This is the new shade cinnamon. So यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 shade है. ये cinnamon shade है which is very pretty brown shade, neutral brown shade. Then my another favorite is 10 shade. This is the coral corally pink kind of a shade. Looks really beautiful on medium skin tone, but it's not something जो सबको suit करे. And then another one is 03 which is very beautiful brown. Like I have a brown collection more than like a pinkish brown. So beautiful. We're talking about the high end, always MAC lip liner are a staple. This is in the shade spice. ये most best seller shade है इनकी. So let's apply this. एंड ये मीडियम स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. इट्स अ कोरली ब्राउन कलर. सो लाइक यू कैन सी दैट इट्स जस्ट लाइक माय लिप्स वर बेटर काइंड ऑफ अ शेड. I really really loved about lipstick. Etude House की fixing tint are the most beautiful lightweight lipstick formula. They are matte lipstick and इन दोनों का review मैं already कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो. So yeah, formula is very lightweight like a feather and just amazing 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 lipstick. So let's apply this shade. See that how beautiful it is. Eye lip liner के साथ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है. It's a corally pinkish color, but ये मेरी eyes के साथ नहीं जा रहा, so we have to change that. Favorite formula of mine is Maybelline का vinyl ink lipstick. These are the best lipstick. Glossy, beautiful. They are just best.
एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। जो आज तक इस फॉर्मूले के साथ कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई है, इट डज नॉट फील हैवी ऑन माई लिप्स बिकॉज आई हैव अ वेरी चैप्ड लिप्स एंड इट जस्ट प्रोवाइड मी ग्लॉस, लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम एंड इट जस्ट लाइक वन डन प्रोडक्ट। यू डज नॉट हैव टू अप्लाई लिप लाइनर सेपरेटली, ग्लॉस एंड मैट लिपस्टिक। इट जस्ट अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला, लाइक 3-in-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मूला। आई रियली रियली लव्ड इट। बट अनदर अफोर्डेबल लिपस्टिक इज अ मेबली सेंसेशनल लिपस्टिक। मेबली लिपस्टिक एंड मश्कारा इज लाइक amazing. You see that shade, it's a touch of a spice. A lot of people recommend me, but does not like that much. It's a corally pinkish color, but the formula is really really amazing. Precise doe foot applicator aata hai iska, so I really really like it. And shade collection ki to aap baat hi mat karo. You can find every shade in any undertone. They have like a huge collection. एल्फ से, एल्फ की ना पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो तुम चेक कर सकते हो। बट इस टाइम पर अगर मैं तुम्हें एल्फ से कुछ रिकमेंड करूँ, वो सिर्फ ये ब्लशेज हैं। दीज ब्लशेज आर सो ब्यूटिफुल लाइक कॉड। इसमें ब्लश मिल जाता है और एक तरफ तुम्हें हाईलाइटर मिल जाता है। दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, लाइक दिस इज सो शाइनी। कोई सेपरेट ब्लश और हाईलाइटर लेने की जरूरत नहीं है। एंड दीज आर ऑलवेज ऑन बाय वन गेट वन सेल। एंड लेट्स अप्लाई द शेड। जो मेरे पास है वो है यहाँ पे, ये वाली शेड अप्लाई करूंगी बिकॉज इट्स गो विद माई लुक टू। एंड इट्स अ मैट फॉर्मूला, ब्लेंड सो सीमलेसली, इट हैज अ लिटिल ग्लिटर्स बट वो दिखती नहीं है। एंड वेरी ब्यूटिफुल। इफ यू आर न्यू मेकअप आर्टिस्ट, तुम भी ले सकते हो, खुद के लिए भी ले सकते हो। लाइक इट्स जस्ट लाइक अ वन डन मेकअप किट वाला प्रोडक्ट कि अपने मेकअप किट में डाला हुआ है। इट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स अप्लाई हाईलाइटर। Highlight shine and so beautiful, like so beautiful. No, कोई chunky glitter नहीं है इसके अंदर and बहुत easily आपके face को highlight कर देता है without looking patchy, glittery. Like 200 रुपये में तुम्हें blush भी मिल रहा है, highlighter भी मिल रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए? Literally this one is really really amazing. See that mirror like a reflection, like a blinding. ब्रो की बात हो रही है तो मैं हमेशा तुम्हें स्विस ब्यूटी की ब्राउ पेंसिल ही रिकमेंड करूंगी, और कुछ नहीं। लाइक दिस आई ब्राउ पेंसिल इज मस्ट हैव इफ यू लाइक प्रिसाइज ब्राउ एंड इट जस्ट सो अफोर्डेबल। एंड मुझे बिलीव नहीं होता प्राइस के अकॉर्डिंग ब्रांड ने इस तरीके का फॉर्मूला कैसे निकाल दिया। इट्स नॉट टू क्रीमी एंड नॉट टू क्रीमी, नॉट टू मैट, वेरी परफेक्ट फॉर्मूला। एंड इट जस्ट फिल योर ब्राउ वेरी प्रिसाइजली, लाइक दे सेड इट्स अ माइक्रोब्लेड ब्राउ पेंसिल। यू कैन ड्रॉ अ फेक हेयर टू वेरी इजीली, लाइक यू कैन सी दैट, यू कैन ड्रॉ अ फेक हेयर टू, यू आप फेक हेयर भी बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इट्स अ वेरी ग्रेट आईब्रो पेंसिल and it's transfer proof and it's smudge proof. So basically that's it for my Nykaa recommendation and a whole kind of a video. I hope you guys liked it and that's a finished makeup look. It's not a perfect makeup look, basically we just trying our different products. Well, I like it how it turned out. Basically that's the video. I hope you guys liked it. I hope you guys like this recommendation. Don't forget to check out the description box all the link of the product with a detail. Yeah, that's it. Bye guys, see you in another video.